आज जो हमारा चैप्टर है वो है कक्षा 9 का, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। आज मैं आप सभी को बता दूं कि पालमपुर गांव की कहानी पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी आपको इसके नीचे प्राप्त हो जाएंगे, जहां से आप आसानी से इसे नोट करके और इसे याद कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पालमपुर गांव की कहानी। है जो ऊपर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज वही गांव की है। अक्सर आपने गांव के इमेज को देखा होगा, गांव में ऐसे ही हरियाली होती है, नदी होता है, घास फूस के घर होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इस चैप्टर को, जिस चैप्टर में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी गाँव से जुड़ी हुई। सबसे पहले है पालमपुर गांव की कहानी क्या है। तो पालमपुर गांव की कहानी जो है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया जो है वो कृषि है। यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं, जबकि अन्य क्रियाएं भी यहाँ पे होती है, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। अब जैसे डेयरी का मतलब हो गया दूध से जुड़ी हुई काम, जो दूध वगैरह का काम होता है। परिवहन मतलब हो गया कहीं एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आदि भी हैं जो यहाँ पे गाँव में काम होता है। अब पालमपुर अपने आसपास के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। क्या है कि पालमपुर के अगल बगल में भी बहुत सारे गांव हैं, जिसमें एक जो है वो है रायगंज, एक बड़ा सा गांव है जो पालमपुर के बगल में है और पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है। पालमपुर गांव के यातायात साधन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बैलगाड़ी भी है, भैंसा बग्घी भी है और तरह तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है इत्यादि को भी देखा जा सकता है। गांव के लोग इन्हीं सब चीज़ों से अपने आने जाने का काम करते हैं, मतलब कि परिवहन। यहाँ पे मैंने बताया था ना परिवहन, तो परिवहन के लिए इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग यहाँ के लोग करते हैं। इस गांव में अलग अलग जाति के तकरीबन 450 परिवार हैं इस पूरे गांव में। जब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिनमें से कुछ उच्च जाति के अथवा कुछ अनुसूचित जाति दलित के लोग होते हैं। अनुसूचित जाति कहने का मतलब हो गया जो दलित लोग हो गए, ऐसे सारे लोग 450 परिवारों का यह एक गाँव है। गाँव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या जो है वो 80 है, जो ज़्यादातर भूस्वामी हैं। भूस्वामी कहने का मतलब हो गया जिनके पास अधिक जमीन है। इन लोगों के मकान बहुत बड़े और ईंट तथा सीमेंट से बने हुए हैं। गांव में अक्सर देखा होगा कि जो पैसे वाले लोग होते हैं या जो जमींदार लोग होते हैं, उनके घर बहुत अच्छे होते हैं और उनके घर पे ट्रैक्टर रहती है, बहुत ज़्यादा अनाज देखा होगा आपने रखा हुआ। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात की जाए, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव में कुल आबादी का 1/3 है। ये लोग गांव के एक कोने में बहुत से छोटे छोटे घरों में रहते हैं तथा ये घर मिट्टी और फूस की बने होते हैं। गांव में झोपड़ी टाइप का घर आपने देखा होगा, झोपड़ी टाइप के घर को हम फूस का घर कहते हैं या फिर मिट्टी के घर बने होते हैं, ऐसे घर इन गरीबों का है। पालमपुर के ज़्यादा तर घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, ये एक अच्छी बात है। अक्सर गांव में ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि पालमपुर के ज़्यादातर घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा का स्तर पर यहाँ प्रबंध कराई गई व्यवस्थाओं में एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय है, मतलब इस गांव में एक उच्च शिक्षा लेने के लिए बच्चों के लिए स्कूल है और 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल है। रोगियों के उपचार के लिए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक निजी अस्पताल भी मौजूद है। यहाँ पे एक गांव के लोगों के लिए या गांव में अगर कोई आसपास के लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे लोग ही अपने इलाज करवा सकते हैं। भारत के हर एक गांव की तरह पालमपुर गांव की भी एक प्रमुख गतिविधियाँ कृषि है। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो कृषि करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे भी है पालमपुर गांव में भी। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, तो वो है खेती। अब खेती के अलावा इसमें विभिन्न विभिन्न तरह की गतिविधियों में लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। अब गांव में आप जब भी जाओगे तो देखोगे कि लोग अलग अलग तरह के कार्य भी करते हैं। गांव के लोग नौकरी भी करते हैं, गांव के लोग दुकान भी चलाते हैं, गांव के लोग कृषि भी करते हैं, गांव के लोग गाय भैंसी मवेशी दूध इत्यादियों के लिए भी पालते हैं। तो ये सारे चीज़ें गतिविधियाँ आपको गाँव में देखने को मिल जाएगा। पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि उत्पादन है। जैसा कि मैं शुरुआत से ही बताता आया हूँ कि यहाँ पे सारे काम तो करते हैं लोग, लेकिन जो मेन काम इनका है, इनके गांव के लोगों का, वो है कृषि से, खेती से उत्पादन करना। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती का उपयोग करते हैं, निर्भर रहते हैं। मतलब अगर 100 लोगों में से सिर्फ
25 लोग ही काम नहीं करते हैं खेती का, बाकी 75 लोग जो यहाँ पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसानी करते हैं। ये किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं, परंतु कृषि करने में उपयोग होने वाली जमीन निश्चित होती है। पालमपुर में हर साल 1960 के बाद आज तक जमीन के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके जमीन में किसी भी प्रकार का हेर फेर उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। जो 1960 के बाद था वैसा ही अभी भी है। उस समय गांव की बंजर जमीन को खेती योग्य कार्य करने में परिवर्तित कर दिया गया था तथा नई जमीन को खेती करने योग्य बनाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखिए ऐसा है कि जो खेती होती है वो हमेशा उपजाऊ जमीन पे अच्छी होती है, लेकिन जो बंजर जमीन पे बंजर जमीन होता है उस पे यदि आप खेती करते हैं तो उस पे बहुत मुश्किल से आप फसल को उगा पाएंगे और बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसानों को। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ जिस तरह की फसल उगाई जाती है और सुविधाएं उपलब्ध है उसे देखकर लगता है कि पालमपुर गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, मतलब ये साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पालमपुर गांव है, ये उत्तर प्रदेश जो हमारे भारत का एक राज्य है उसके पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ हर जमीन पर खेती की जाती है। गाँव में एक साल में किसान 3 तरह की फसलें उत्पन्न कर पाते हैं। अब यह जमीन इतनी उपजाऊ है कि एक साल में लोग यहाँ पे 3 बार फसल बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई करने के लिए पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे पानी का पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया है जिससे किसान अच्छे से सिंचाई कर पाते हैं। इसका असर ऐसा पड़ा कि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था ही बदल गया, पहले जो व्यवस्थाएं नहीं थी अब वो पालमपुर में इन्हें उपलब्ध हो गया, जिस कारण से इनकी सिंचाई करने की जो प्रणाली है पद्धति है वो पहले से बेहतर हो गया। अब किसान बिजली से चलने वाले नलकूपों का प्रयोग कर रहे हैं। शुरुआत में किसान सरकार द्वारा प्रबंध कराए गए नलकूपों का इस्तेमाल करते थे, अब वे अपने द्वारा नलकूप का प्रबंध खुद ही करने लगे। अब आपने गांव में देखा होगा लोगों के घर में ना मोटर लग गए हैं, आपने देखा होगा मोटर, हर घर में आपको मोटर देखने को मिलेगा, जिससे इंसान क्या करता है अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी का उपयोग करता है। ऐसे में अब क्या होगा, जब इस किसानों को पानी की ज़रूरत होगी तो वो अपने हिसाब से अपना मोटर चलाएंगे और पानी सिंचाई के लिए उपयोग कर लेंगे। हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल के कृषि करने का तरीका सीखा। अब HYV क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हरित क्रांति जो हुआ उसके बाद हमारे यहाँ गेहूं और चावल के कृषि करने के नए नए तरीके आने लगे, लोग नए नए तरीकों को सीखना शुरू किया और इससे इनके पॉजिटिव परिणाम मिले, इनकी खेती में इसका उपयोग किया और उसके बाद देखा कि नहीं अब पहले से ज़्यादा बेहतर इनके अनाज उगने लगे थे। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर कम हो गया। अब देखिए इसके साथ एक परेशानी भी उत्पन्न हो गई, लोगों ने क्या किया अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए उसमें इतना खाद खल्ली केमिकल डालना शुरू कर दिया, जिस कारण से जो ज़मीन है उसकी उपजाने की क्षमता कम होती चली गई। और इसके अलावा लोगों ने इतना सिंचाई करना शुरू कर दिया, इतना पानी डालना शुरू कर दिया कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार तो हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रवि ऋतुओं की फसल उगाने में सफल हो सके। देखिए बिजली आने से क्या हो गया, जब से लाइट आया है हमारे पास तब से किसान जो है पानी के लिए मरते नहीं हैं, पानी की पर्याप्त उपस्थिति के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल के खेतों में अच्छी फसल उगाने की कोशिश करते हैं। अब जो टॉपिक है वो है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए गैर कृषि क्रियाएं का मतलब हो गया जो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कृषि से अलग है, तो वो है पहला डेयरी। दूध का जो काम है पालमपुर में वो गैर कृषि है, यहाँ पे दूध संग्रहण किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है और उसे बेचा जाता है। लघु स्तरीय विनिर्माण, पालमपुर में भी निर्माण के छोटे छोटे पैमाने पर किया जाता है, छोटे छोटे चीज़ों का निर्माण किया जाता है, गाँव के लगभग 50 लोग इसमें लगे हुए हैं। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी है, यह मशीन बिजली से चलाई जाती है और किसान इसे गन्ना का रस निकालते हैं। व्यापार कार्य, पालमपुर के व्यापारी शहरों के थोक बाजारों से अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाके बेच देते हैं। अब परिवहन की अगर बात की जाए तो पालमपुर के लोग जो हैं अनेक प्रकार के वाहन भी चलाते हैं, जैसे रिक्शा है, जीप है, ट्रैक्टर है, इत्यादियों का उपयोग ये परिवहन के रूप में करते हैं। जैसे गांव में देखा होगा आप अगर किसी भी जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको रिक्शा, ऑटो, ई रिक्शा इत्यादियों का उपयोग करना होता है, तो ये सब परिवहन के साधन हैं।
अब क्या है प्रशिक्षण सेवा, पालमपुर में एक कंप्यूटर केंद्र भी खुला हुआ है। कंप्यूटर केंद्र मतलब जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि दिया जाता है और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों जाके अपना कंप्यूटर सीख के काम करते हैं। भारत में पूंजी तीन प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी पूंजियां हैं, तो पहला तो है भौतिक पूंजी। उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कोई तरह की आगत जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, औजार, मशीन, भवन इत्यादि जो है ये कहलाता है भौतिक पूंजी। अब है अस्थाई पूंजी, औजार मशीनें भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक इस्तेमाल होते हैं, इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मानव पूंजी, उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाए जाने वाले ज्ञान और उद्गम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम मानव पूंजी कहते हैं। ये जो पूंजी है भारत में ये तीन ही प्रकार के होते हैं, पहला है भौतिक पूंजी याद रखिएगा, दूसरा है अस्थाई पूंजी और तीसरा है मानव पूंजी। अब आ गया इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि HYV बीज क्या है, तो सबसे पहले HYV का मतलब जान लीजिए। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म दे दिया है हाई यील्डिंग वैरायटी। गांव के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 40% भाग में ही सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV की सहायता से गेहूँ की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई। अब देखिए एक ऐसा बीज जहाँ पे 1300 किलो मतलब एक क्विंटल 100 और 300 मिला के जो 1300 होता है इतना होता था हेक्टेयर में, अब वो सीधा दोगुना से भी ज़्यादा हो गया है, 2.5 गुना के पास हो गया। यह एक ऐसा बीज है जिसे हम हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं। पालमपुर गांव में 25% लोग जो है वो गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, जैसे डेयरी, दुकानदार, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग, परिवहन इत्यादि। पालमपुर के आसपास के जो लोग हैं गाँव, कस्बों और शहर, वो दूध, गुड़ आदि आराम से मतलब यहाँ पे मिल जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में आशा है कि गांव के लोग और भी ज़्यादा अवसर को अपने अंदर लाएंगे, अपने गांव में नई नई चीज़ों को लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को लाएंगे, नई नई परिवहन साधन को लाएंगे। जो आज रिक्शा और टेम्पू पे चलते हैं, हो सकता है कल जाके ट्रेन भी आ जाए, बस भी आ जाए इत्यादि, ये सारी नई चीज़ें यहाँ पे आने की संभावना है। अब देखिए ये हमारा चैप्टर था, हमने आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझा दिया, लेकिन अब इस चैप्टर को समझने से काम नहीं चलेगा, अब आपको चाहिए इसके प्रश्न और उत्तर। तो ये जो है वो पहला प्रश्न है आपके चैप्टर का, आपके अभ्यास का, जिसे आपको अपने कॉपी में नोट करना है, नोट करने के बाद इसे याद करना है, और याद करने के बाद इसे दिमाग में भी रखना है, और दिमाग में रखने के बाद इसे एग्जाम में भी उपयोग में लाना है। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, आगे मैं आपको अगले वीडियो में इसके सेकेंड चैप्टर को लाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये सारे इसके प्रश्न उत्तर हैं, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें, या आप चाहते हैं आप YouTube पे वीडियो से ही सीख लें तो आप इसे यहाँ से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपी में नोट कर लें, ताकि कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने कॉपी से इसे याद कर सकते हैं। ये प्रश्न टोटल है, पहला प्रश्न है ये, दूसरा प्रश्न है इसका जो आपके अभ्यास से ही है, ध्यान रखिएगा, ये इसका तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न के बाद ये इसका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न के बाद ये पाँचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, दसवां प्रश्न है, ग्यारहवां प्रश्न है, बारहवां प्रश्न है, तेरहवां प्रश्न है, और ये चौदहवां प्रश्न है। ये 14 प्रश्न हैं आपके टोटल, ये 14 प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। 14 प्रश्न याद करने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, यदि जो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से आपको इस पूरे चैप्टर को समझाया है, इसमें यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको कोई भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।